जो लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता, उसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती, वो निष्पक्ष रूप से काम करती है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो मैंने बनाई है, इसमें आप कितने भी तरह की कैसी भी तरीके आप वोटिंग कर लीजिए, इसमें मॉक टेस्ट करिए, डेमो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फाइनली जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, भले ही आप इसको ऑफ करके, इसका पावर ऑफ करके आप इसको स्ट्रांग रूम में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए, उसके बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो आपको बदला हुआ मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी टेक्निकल संस्थाएं हैं या फिर जो टेक्निकल लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में घपला नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपनी इस वोटिंग मशीन को टेस्ट करने के लिए। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं, इस तरह की मशीन बनना असंभव है, ये मैंने मशीन बनाई है, इसमें आप बटन दबाएंगे, आपको ये भी दिखाई देगी कि आपने किसका बटन दबाया है, आप कोई भी बटन दबाइए, मतदाता को दिखेगा कि मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, मैं जिस चीज का बटन, जिस पार्टी का बटन दबा रहा हूं वही पार्टी इसमें इसमें नजर आ रही है, ठीक है। देखिए, देखने में कोई बोल सकता है कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है, जो पार्टी का मैं बटन दबा रहा हूं वही पार्टी इसमें दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस मशीन से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं, मुझे पता है, मैंने इसमें कोडिंग की है। अब मैं इसको रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट देखने के बाद मैं इसको बंद करके रख दूंगा, रखने के बाद जब फाइनली जब काउंटिंग होगी और जब आप इसमें रिजल्ट देखूंगा, वो रिजल्ट बदला हुआ मिलेगा। वो रिजल्ट कैसे बदल गया, हालांकि मैंने मशीन को पावर ऑफ करके भी रख दिया था, उसके बाद भी ये मशीन जब मैंने दूसरी टाइम को मशीन को ऑन किया, रिजल्ट बदला हुआ मिला, ऐसा कैसे संभव है? सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज संभव है, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सॉफ्टवेयर जो मशीन होती है उसमें सब चीज संभव है। आप जैसा उसमें सॉफ्टवेयर लिख दोगे ये मशीन वैसे ही काम करेगी दोस्तों। और मैं आमंत्रित करता हूं सभी लोगों को, आप आओ इसमें डेमो लेके देखिए और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वोटिंग मशीन है वो हर तरीके से काम कर सकती है, जैसा हम उसमें सॉफ्टवेयर लिख देंगे वैसा काम कर सकती है, दिन के हिसाब से काम कर सकती है, तारीख के हिसाब से काम कर सकती है, मॉक टेस्ट में बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे रिजल्ट बदल देगी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ये इसका जीता जागता एक प्रूफ है, आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, और जो भी जिनको भी शंका है कि ये इस तरह की मशीन नहीं बन सकती है, तो ये बात गलत है, इस तरह की मशीन बन सकती है। मैंने इसको 15 या 20 दिन में लगातार मेहनत करके बनाया है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया इसको बनाने में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको जल्दी मशीन बनाया लेकर, लेकिन अब थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को यह बताना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का चुनावों में उपयोग बहुत ही मतलब संदेह वाला होता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सबसे अच्छा बैलेट पेपर होता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जो रिजल्ट है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। मैं ये चैलेंज करता हूं, और चैलेंज के साथ साथ मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि ये मशीन, जो भी आप इसको टेस्टिंग करके देखना चाहते हो आप देखिए, अगर आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि नहीं ये मशीन गलत है, ये मशीन नहीं बन सकती है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे को कुछ भी दंड दे दीजिए, मेरे को कुछ भी पनिशमेंट दे दीजिए, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में चलती है वो मशीन अनबायस तरीके से काम कर सकती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मशीन में जैसा हम चाहें वैसा काम कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर में हम जो लिख देंगे वो वैसा काम करेगी। और रही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात, इसका जो ये आप सर्किट देख रहे हैं ना, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर आरटीसी रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है, जो मशीन में टाइम चलता रहता है, इस मशीन के अंदर आप इसको बंद भी कर दोगे ना फिर भी टाइम चलता रहता है, और जब आप इसको काउंटिंग के लिए जब दोबारा चलाओगे तो वो पूरा रिजल्ट को बदल देगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को भूल जाइए कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो होती है वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक का ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस है, और ये बिल्कुल वैसे काम कर सकता है जैसे हम चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को जानिए, सचेत रहिए और चीजों को समझिए।